अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट हमारे लेक्चर थे वो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थे, मतलब उसमें हमने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी थी, हमने प्रोबेबिलिटी समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उसके बारे में देखा था। जो टर्म्स आमतौर पर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इसकी फील्ड में यूज होती है, ये टॉपिक्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आते हैं, तो इसमें नॉर्मली हम यूज कर रहे थे वो टर्म्स, इवेंट्स, डिफरेंट टाइप के इवेंट थे, फिर आउटकम, सैंपल स्पेस, ट्रायल, एक्सपेरिमेंट, सब चीजों के बारे में हमने देखा था। तो इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ रही है और किस तरह आप यूज करते हो इसका। सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी के लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में आप काउंटिंग कर रहे होते हो। परमोटेशन, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग प्रिंसिपल, इन चीजों के लिए हमने तभी पढ़े थे कि हमें काउंटिंग करने में आसानी हो। प्रोबेबिलिटी में काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी, आगे जाके 7.4, 7.5 देखोगे आप कहीं कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो, कहीं प्रोडक्ट प्रिंसिपल हो रहा होगा, कहीं परमोटेशन हो रहा होगा, आप काउंट करते हो। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप उसमें देखोगे कि आप काउंटिंग कर रहे होते हो। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती क्यों है। यार मेरे ख्याल में आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि जो प्रोबेबिलिटी है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि चांसेस, किसी भी चीज के होने के कितने चांसेस हैं, ये आपको जिंदगी में काफी काम आती है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फील्ड उठा के देखो तो चांसेस जो है वो आप काफी कंसिडर कर रहे होते हो कि यार इस चीज के चांसेस ज्यादा है, इस तरह मैं करूंगा तो ये चांसेस ज्यादा होंगे। कितने दफा आप ये नहीं बोल सकते कि इस तरह मैं करूंगा तो 100% ऐसा होगा, आप ये बोलते हैं चांसेस हैं कि इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल वेदर है, वेदर की प्रेडिक्शन में आपने देखा होगा यार इतने परसेंट चांसेस है कि बारिश होगी। मैचेस जब आप देख रहे होते हो तो होता है ना कि यार बताते हैं कि आज वेदर की प्रेडिक्शन ये है कि इतने परसेंट चांसेस है कि बारिश होगी, मेजोरिटी केसेस में हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि नहीं हो रही, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस है। जरूरी नहीं कि जो 70% चांसेस का मतलब कि वो चीज होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब वो चीज मतलब ऑलमोस्ट होगी, आप ये समझ लो, लेकिन हो रही है नहीं हो रही ये आप कंफर्म नहीं कह सकते। आप ये बता सकते हो कि चांसेस ज्यादा है इस चीज के होने के। फॉर एग्जांपल अगर पूरे साल को बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट उसने हासिल किए हैं, तो चांसेस यही है, ज्यादा चांसेस है कि यार वो बच्चा अच्छे नंबर से पास होगा। लेकिन एट द एंड मे बी पेपर उससे स्किप हो जाए, पेपर में सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, बीमार हो गए, से समझ लो कि तैयारी अच्छी ना हो, फॉर्मूला भूल गया हो, सब चीजें होगी, तो बाकी चीजें एट द एंड हो सकती हैं, लेकिन ये रेयर होता है। अगर आपको बोला जाए कि ज्यादा चांसेस हैं, तो आप मेजोरिटी लोगों को देखोगे जो सही तरह पूरे साल पढ़ते हैं तो उनके पेपर भी फिर अच्छे होते हैं, क्योंकि चांसेस ज्यादा होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आप मेरे जहन में जितनी चीजें आ रही मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप अपने अराउंड अगर ढूंढोगे ना तो ये प्रोबेबिलिटी, इसी तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था 24 अक्टूबर को, तो चांसेस क्या आते हैं कि इंडिया जीतेगा। क्यों? क्योंकि पुराना हमारे पास एक्सपीरियंस था कि वर्ल्ड कप में इंडिया जीतता है, चांसेस थे, लेकिन कितने ज्यादा चांसेस थे कि इंडिया जीतेगा। इवन पाकिस्तान ही बैठ के सोच रहे थे नहीं ये इंडिया जीत जाएगा, इतने चांसेस थे, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, पाकिस्तान जीत गया। तो ये चांसेस होते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि चांसेस बहुत ज्यादा है लेकिन वो चीज नहीं होती, तो एक प्रिडिक्शन है आप ये कह दो। तो प्रोबेबिलिटी के यूज करने का फायदा आपको पता चल गया कि आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो, और जब प्रिडिक्शन मतलब चांसेस ज्यादा होते हैं तो मोस्टली केस में वो चीज होती है, तो इसलिए आप प्रिडिक्शन के लिए यूज कर रहे हो। तो इसी तरह आप ये देखते हो कि जो ओशन में टाइड्स हैं अगर वो ज्यादा होती हैं, आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कि यार नहीं इन हफ्ते में जो ओशन टाइड्स हैं वो ज्यादा होंगी, तो पहली जो माहिगीर होते हैं उनको बता दिया जाता है कि यार नहीं इस दफा लहरें ज्यादा होंगी, आप लोग थोड़ा दूर रहें इससे। तो प्रिडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी की हर लाइफ में आप ये कर रहे होते हो। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की होती है कि आप मेजर करते हो चांसेस को किसी भी चीज के होने के, कोई भी एक, अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप बोलो कोई इवेंट है, ठीक है, एक इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, इसको आप प्रोबेबिलिटी कहते हो। तो प्रोबेबिलिटी की मैं सिंपल डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा, मेजर ऑफ द चांसेस, मेजर ऑफ द चांसेस ऑफ एन इवेंट टू अकर, किसी भी इवेंट के होने के, अकर होने के चांसेस कितने हैं, इसको आप कहते हो प्रोबेबिलिटी, ये है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बेचारी सिंपल सी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूले के जरिए से भी डिफाइन किया जाता है, लेकिन वो तो फॉर्मूले को डिफाइन किया हुआ ना, असल में होती क्या प्रोबेबिलिटी वो मैंने आपको बता दिया। तो आपने इंपॉर्टेंस इसकी देख ली, प्रोबेबिलिटी होती क्या वो आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है वो मुझे नजर नहीं आ रहा, हाँ वो ये है कि प्रोबेबिलिटी की टाइप्स भी होती है। सब टाइप्स हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है एक काइंड ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है, ये एसोसिएटेड स्टैटिस्टिक्स से, तो ज्यादा हम उस फील्ड में जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि नॉर्मली जो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, जो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है। एक इंपॉर्टेंट टाइप ऐसी भी होती है जिसको आप बोलते हो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी।
फॉर एग्जाम्पल आपने ये बहुत दफा सुना होगा कि जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो 50% चांसेस है हेड आए, 50% चांसेस है टेल आए, लेकिन ये चांसेस होते हैं। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो और उसमें 5 दफा आप कॉइन को टॉस करो तो अब उसमें 50-50% नहीं है, 5 दफा टॉस करोगे तो मे भी ऐसा हो 4 दफा हेड आए 1 दफा टेल आए, तो आप ही कहोगे यार हेड तो ज्यादा दफा आ रहा है जबकि चांसेस बता रहे थे 50%। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर 4 दफा हेड आया 1 दफा टेल आया तो हेड आने की 80% प्रोबेबिलिटी है और 20% टेल की है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ये होगी और थ्योरेटिकल क्या होती है 50-50। तो ये फर्क होता है एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल में। लेकिन जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और प्रोबेबिलिटी वहां से निकाल रहे होते हो, कोई सर्वे परफॉर्म करते हो, आप स्टैटिस्टिक्स में आप पूरे सर्वे परफॉर्म कर रहे होते हो, सैंपलिंग होती है, तो यार इस रीजन में जैसे अभी इलेक्शन का वक्त है तो लोगों को एक बोला जाता है कि पाकिस्तान की राय है कि पीटीआई जीतेगी, नून लीग जीतेगी, और पूरे पाकिस्तान से ढूंढने उन्होंने पूछा होगा, तो क्या करते हैं वो एक सैंपल उठाते हैं, 1000 बंदों का सैंपल उठा लिया इस जगह से उस जगह से, सैंपलिंग के भी मेथड होते हैं डिफरेंट किस्म की, रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, डिफरेंट सैंपलिंग होती है, मेथड बनाए हुए होते हैं कि वो आपने इस जगह से इन लोगों को पिक किया, आपने उनसे राय ली और फिर आप उसको पूरे पॉपुलेशन के लिए लगा देते हो, मतलब उठाए आपने 100 लोग 1000 लोग लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान उनको रिप्रेजेंट करवा दिया, तो ये आप सैंपलिंग कर रहे होते हो। तो जो प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो एक्सपेरिमेंटल या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हो कि उससे हमने डेटा से कैलकुलेट की भी है, तो अभी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बराबर हो सकती है जब आप ज्यादा सैंपल कंसीडर करो। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 दफा कॉइन को टॉस करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि 50-50% नहीं होगा, मे भी हो जाए लेकिन नहीं होगा। इसी तरह 10 दफा आपने कॉइन टॉस किया तो मे भी 50-50 ना हो, 6 दफा टेल आ जाए, 4 दफा हेड आ जाए, लेकिन जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा ट्रायल करोगे, फॉर एग्जाम्पल 1000 ट्रायल करो, 10000 ट्रायल करो, 1 मिलियन ट्रायल करो, तो फिर आप उस वक्त ऑब्जर्व करोगे यार नहीं, क्योंकि जब ट्रायल इतने ज्यादा होंगे ना तो फिर आप ये ऑब्जर्व करोगे एक्सपेरिमेंटल जो प्रोबेबिलिटी है वो भी यही आ रही होगी कि ऑलमोस्ट 50% हेड आ रहा है, 50% टेल आ रहा है, लेकिन उस वक्त होगा जब आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है। तो ये 2 किस्म की प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, सिंध बोर्ड में टॉपिक है नहीं स्टैट का, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने टच उसका भी दे दिए, जैसे वो इस्लामिक टच दे रहे थे वो कासिम सूरी भाई, तो हमने थोड़ा स्टैट्स का भी टच दे दिया आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद अब आज जो फॉर्मूले पे कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या यूज करते हो, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो है ना वो बड़ा इजी है समझने के लिए, और अगर आप इसके फॉर्मूले पे आओ तो देखो फॉर्मूले की वर्डिंग काफी ज्यादा है जो मार्केट में आपको मिलेंगी, लेकिन मैं आपको सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ, एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक इवेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको नाम दे दिया इवेंट ए, और आपको निकालनी है उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले सिंबल क्या होता है, पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यूमरेटर में आप रखते हो नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, कितने तरीके से वो इवेंट आपका हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब ये सब काउंटिंग है, आप काउंट कर रहे हो कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं उस इवेंट जो हो सकता है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हैं। तो ये सब काउंटिंग चल रही है आपकी जो आप पहले कर चुके हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि आपने एक डाई जो है उसको रोल किया है, छक्का जिसको आप लूडो में यूज करते हो उसको रोल किया है, मुझे बताओ मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूं, इवेंट है इवन नंबर आना। अब इवन नंबर कितने तरीकों से आ सकता है, नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन, मतलब नंबर ऑफ वेज के इवन नंबर आना, ये जो इवेंट है ये कितने तरीके से हो सकता है। तो बच्चों 3 तरीके से ही हो सकता है कि आपके पास 2 आ जाए, आपके पास 4 आ जाए, आपके पास 6 आ जाए। तो न्यूमिनेटर में आप लिखोगे 3 तरीके से ये इवेंट हो सकता है, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे कि जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है उसके टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है किसी भी एक्सपेरिमेंट को, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अच्छा, बेहतर तरीका यह कि आप लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है कितने। तो आपको पता है जब आप डाई को रोल करते हो तो टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। इसी तरह आगे जाके अभी आप ऐसी भी एग्जांपल देखोगे जिसमें हम 2 डाई को एक साथ रोल कर रहे होंगे, तो अब टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं, 36 आउटकम आ सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया था, अगर एक इवेंट होने के चांसेस हैं, सॉरी एक इवेंट होने के 6 तरीके से हो सकता है, दूसरा इवेंट 6 तरीके से हो सकता है, तो एक साथ होने के कितने आपके पास होंगे, 6 × 36 पॉसिबल होंगे, 36 आउटकम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले वाले डाई पे 1 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, इस तरह करते करते इंशाल्लाह जब क्वेश्चन आएंगे तब आप लोग देख भी लोगे 36 आउटकम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं कि मेरे पास
सम जो है वो 12 आए, मतलब दोनों आपने डायरेक्ट है कि सम जो है दोनों का मिला के 12 आए। तो ये एक ही पॉसिबिलिटी है इस इवेंट के होने की कि पहले वाले डाई पे भी 6 आए, दूसरे वाले पे भी 6 आए, तभी 6+6 सम जो है वो 12 आएगा। अगर दोनों पे कोई और नंबर आएगा तो सम 12 नहीं हो सकता। तो इस इवेंट को एक ही केस फेवर कर रहा है। इसको ये भी ऊपर फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जाता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, कि उस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं, या दूसरी लैंग्वेज में वो इवेंट कितने तरीके से आ सकता है, कितने तरीके से हो सकता है। तो ये इवेंट बच्चों एक ही तरीके से हो सकता है। तो आप लिखोगे ऊपर 1 और नीचे क्या लिखोगे, टोटल आउटकम कितने हैं, जो भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो टोटल आउटकम 36 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36। तो ये सिंपल फॉर्मूला है जो आप प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर रहे होते हो। अब आप देखो इसमें काउंटिंग कर रहे हो तो काउंटिंग का काफी काम यहां पे यूज होगा। फॉर्मूला डिस्कस करने के बाद बच्चों अब हमने जो डिस्कस करना है वो है प्रोबेबिलिटी की रेंज, प्रोबेबिलिटी क्या क्या आ सकती है। देखो प्रोबेबिलिटी परसेंटेजेस में ही बताई जाती है और डेसिमल में ही बताई जाती है। परसेंटेजेस में प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0% से लेके 100% तक, और अगर आप डेसिमल में देखो तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक होती है। क्यों 0 से लेके 1 तक क्यों होती है, जरा देख लेते हैं हम। तो हम क्या डिस्कस करने हैं कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या है। याद रखना प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों वो 0 से लेके 0 भी हो सकती है या 0 से ग्रेटर होगी, और 1 भी हो सकती है या 1 से कम होगी, मतलब 0 और 1 के दरमियान होगी। उसकी रीजन ये है कि भाई ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर लिखा हुआ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहली फॉर एग्जाम्पल मैं एक जनरलाइज बात करता हूं, आपने प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी a/b आ रही है, ठीक है। अब क्या क्या चांसेस है, सबसे पहला चांस ये है कि जो a लिखा हुआ है ना ये लेस देन b होगा, ऊपर जो चीज लिखी हुई है वो लेस देन b होगी। जैसे आपने देखा था एक दफा प्रोबेबिलिटी आई थी 3/6 वो इवन नंबर वाली जो मैंने आपको बताई थी, फिर डाई वाले केस में 1/36 आ रही थी, मतलब ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था वो छोटा था जो नीचे नंबर लिखा हुआ था, एक ही पॉसिबिलिटी है। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो बराबर हो नीचे के, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आप एक डाई फेंको और इवेंट क्या है कि लेस देन 7 कोई नंबर आए। अब इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं भाई, अगर आप एक डाई फेंकोगे तो लेस देन 7 कितने आउटकम होंगे, सारे आउटकम होंगे। आपको पता है जब भी आप डाई फेंकते हो तो लेस देन 7 ही कुछ आता है। तो अगर 1 आए ये भी इस इवेंट को फेवर कर रहा है, अगर 2 आए ये भी इस इवेंट को फेवर कर रहा है, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, ये सब इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं। इवेंट क्या है, लेस देन 7 नंबर। तो ये जो इवेंट है ना इसमें ऊपर 6 आएंगे, इस इवेंट को 6 केस फेवर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल केस कितने, टोटल केस भी 6 हैं। तो आपने यहां पर ऑब्जर्व करोगे ऊपर और नीचे चीज लिखी है बराबर है, तो ए बी के बराबर भी हो सकता है। इसी तरीके से ए जो है वो 0 भी हो सकता है, ये भी तो आपने ऑब्जर्व किया। ए 0 का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आप डाई फेंको और आपके पास नंबर ग्रेटर देन 7 आए, आप इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं। आपको पता है 7 को कोई भी केस फेवर नहीं कर रहा होगा, आप जब भी डाई फेंकोगे 7 से ग्रेटर कुछ आ ही नहीं सकता, डाई में 1 से लेकर 6 तक ही आएगा, 7 से ग्रेटर कुछ भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये इवेंट कितने तरीके से हो सकता है, 0 तरीके से हो सकता है, ये इवेंट हो ही नहीं सकता। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी 0 हो गया इसका मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसमें कुछ आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो सेंस नहीं बन रही ना इस बात की। तो बी 0 नहीं हो सकता लेकिन ए 0 हो सकता है, बिल्कुल। ये सब मैंने आप लोगों के सामने लिखी है बातें। तो देखो अगर ए लेस देन बी होगा, मतलब न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो आपकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होगी, 0 और 1 के दरमियान कुछ होगी, 0.5, 0.2, 0.3, डिपेंड करेगा कि न्यूमिनेटर कितना छोटा है बी से। अगर जितना ज्यादा छोटा होगा उतना नंबर 0 के करीब होगा, और जितना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फर्क कम होगा उतना आंसर आपका 1 के क्लोज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बी के बराबर है तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, मतलब ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज बराबर है तो आंसर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ए 0 है तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो यहां से आप ऑब्जर्व करोगे इन 3 केसेस के अलावा और कोई केस नहीं, ऐसा कोई केस एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसमें आप बोलोगे ए ग्रेटर है बी से, नहीं, ए बी से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम आ रहे हैं, न्यूमिनेटर में जो आउटकम होंगे ना या तो वो इसके बराबर होंगे या कम होंगे। ऐसा पॉसिबल है कि एक एक्सपेरिमेंट में 6 आउटकम है और जिस इवेंट को आप डिस्कस कर रहे हो उसको 7 आउटकम फेवर कर रहे हैं, सेंस ही नहीं बनती ना, है ही 6 आउटकम तो 7 कैसे उसको फेवर करेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए, न्यूमिनेटर हमेशा क्या होगा, लेस देन बी होगा या किसी केस में न्यूमिनेटर बी के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप ऑब्जर्व करोगे कि डिनोमिनेटर कभी भी छोटा नहीं होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमिनेटर बड़ा होता है तभी आपके पास 1 से ग्रेटर कुछ वैल्यू आती है, जबकि यहां पे आपने देखा बी कभी भी बड़ा नहीं होगा,
सॉरी बी कभी भी छोटा नहीं होगा न्यूमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में रिलेशन क्या होगा, या तो न्यूमिनेटर छोटा होगा या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर होगा, बस ये दो ही रिलेशन होंगे। तो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी या तो वन आएगी या जीरो आएगी या जीरो और वन के दरमियान आएगी। तो यहां से आपने बात देखी प्रोबेबिलिटी जीरो और वन के दरमियान कुछ भी आ सकती है। यहां पे एक और चीज पढ़ाई जाती है, उसको आप बोलते हो प्रोबेबिलिटी स्केल। प्रोबेबिलिटी स्केल का मतलब कि प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बातें बताई जाती है। फॉर एग्जांपल स्केल का मतलब ये है कि आप स्केल ड्रॉ करते हो जिसमें ये वाली वैल्यू जीरो होती है, ये वाली वैल्यू वन होती है और ये वाली वैल्यू 0.5 होती है। दरमियान में कभी आप 0.25 ले लेते हो, यहां पे 0.75 ले लेते हो। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास जीरो प्रोबेबिलिटी आ रही है किसी भी इवेंट की, इसका मतलब वो इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उसको आप कहते हो कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, कि वो चीज हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल आपने डाई फेंकी है, आपके पास इवेंट क्या है ग्रेटर देन 7 आना, आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है। 0.25 अगर प्रोबेबिलिटी आए तो उसको आप बोलते हो अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब कि बहुत कम चांसेस हैं कि वो इवेंट हो, अनलाइकली है यार ये, ठीक है चांसेस कम है इस चीज के होने के। 0.5 आए ना तो इसको आप बोलते हो कि इवन चांसेस है, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दरमियान वाली बात है, इवन बात है। इवन जैसे आप रियल में बोलते ना किसी से, आपने किसी को थप्पड़ मारा बचपन में जब हम लड़ते थे अपने बहन भाइयों से, तो अगर वो थप्पड़ मारता था तो एक कर्ज हो जाता था आपके ऊपर, अब आपने भी उसको मारना था, तो जब तक तो बात बराबर नहीं होती थी वो खत्म नहीं होती थी, ठीक है, तो आप मारते रहते थे इस तरह, फारिग थे, आपका भाई फारिग है आप भी फारिग हो, तो आप दोनों एक दूसरे को मार रहे हो। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स मतलब मां बाप आपके दरमियान ना आए तब तक आप बदला लेते रहते हो, आपने मारा उसने मारा, आपने मारा उसने मारा। अगर दरमियान में बात रह जाए और बीच में एक्सटर्नल फोर्स मतलब पेरेंट्स आ जाए, तो जिस बच्चे ने ज्यादा खाए तो होते हैं उसको गुस्सा आ जाता है कि यार मैं तो मार ही नहीं सका अपना, क्यों, क्योंकि इवन नहीं किया उसने, बराबर नहीं की बात, ठीक है। तो इवन चांसेस का मतलब कि दोनों तरफ बात बराबर है। 0.75 का मतलब कि लाइकली, लाइकली का मतलब कि यार इस चीज के होने के ज्यादा चांसेस हैं कि चीज होगी, लाइक एक तरफ बात होगी इस पे, नहीं यार होने के चांसेस ज्यादा हैं इसके, मतलब 50-50% बात नहीं है बल्कि इस वाली चीज के होने के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर वन प्रोबेबिलिटी आ रही इसको आप कहते हो सर्टेन, लाइक लाजमी ये बात होगी, जब प्रोबेबिलिटी वन आ जाएगी किसी चीज की तो फिर लाजमी वो बात होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एक डाई फेंको और आपके पास लेस देन 7 नंबर आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और यह आपको पता है जब भी आप डाई फेंकोगे तो लाजमी है कि नंबर आपका लेस देन 7 आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का स्केल होता है, इस तरीके से भी आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहे होते हो। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0.25 से अगर कम हो जाए तो लाइकली के और मतलब अनलाइकली के बहुत कम हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि 0.5 से जितना वैल्यू नीचे जाती जाएगी ना उसके होने के उतने कम चांसेस होते जाएंगे, उतने कम होते जाएंगे, और 0.5 से वैल्यू जितनी ग्रेटर होती जाएगी तो उसके चांसेस ज्यादा होने लगते हैं। 1 है तो आप बोलोगे 100% होगा और 0 है तो आप बोलोगे कि यार ये चीज नहीं हो सकती। अच्छा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी को पहले छोड़ो, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल दे देता हूं, मेरे ख्याल में ज्यादा बात सही हो जाएगी। हाँ पहले एग्जांपल देते हैं फिर दो तीन बातें बाद में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ये है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि कितने तरीके से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हो, कितने नंबर ऑफ वेज हैं कि आप काउंटिंग कर रहे होते हो फिर प्रोबेबिलिटी कर रहे हो उससे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये कंसीडर करो कि आपने टू कॉइंस को फ्लिप किया है, दो कॉइंस है आपने फ्लिप किया है, ठीक है, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर एग्जांपल बाद में डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपने किस तरीके से निकालनी है। आप इसको सैंपल स्पेस को लिखते किस तरीके, तो सैंपल स्पेस मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में सैंपल स्पेस किस तरीके से लिखा जाता है। सॉरी मैंने बताया था सैंपल स्पेस होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप लिख रहे होते हो। तो सैंपल स्पेस के डिफरेंट मेथड होते हैं जो आप यूज कर रहे होते हो। सबसे इजी मेथड ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर दो पॉइंट फ्लिप किए हैं तो आप क्या कर रहे होते हो, आप इस तरह मेंशन कर रहे होते हो कि पहले पे हेड आ गया दूसरे पे हेड आ गया, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और फिर टेल टेल, इस तरीके से आप मेंशन कर रहे होते हो। एक तो ये तरीका होता है, ये मेंशन करने के बाद आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल आपका इवेंट है कि दो टेल आने चाहिए तो टोटल आउटकम 4 है और दो टेल सिर्फ एक ही आउटकम में आ रहे हैं तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसी तरह डॉट डायग्राम भी आप यूज करते हो, इसको हम पॉसिबिलिटी डायग्राम भी कहते हैं, डॉट डायग्राम भी कहते हैं। उसमें आपको इस तरह लिस्ट करने की जरूरत नहीं है लेकिन आप देख के बता सकते हो। फॉर एग्जांपल हेड टेल ये पहला कॉइन था, ये दूसरा कॉइन है और आपने डॉट लगा दी यहां पे, तो डॉट आपको बता दे कि कितने आउटकम है, 4 आउटकम है और इनको पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। तो इस तरह भी पढ़ सकते हो या इस तरह भी पढ़ सकते हो, एक ही बात होगी। क्या आप बोलो हेड हेड टेल हेड, फिर आप बोलो हेड टेल टेल टेल, तो इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हो या उल्टा भी पढ़ सकते हो इसको कि हेड 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 टेल, इसी तरह टेल हेड टेल टेल, 4 कवर हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप मेंशन कर रहे होते हो।
अच्छा इसका एक और भी तरीके, ये सब तरीके उस वक्त होते हैं कि जब आपके पास आउटकम कम है, जितने आउटकम ज्यादा होंगे मसला आपका बढ़ता जाएगा, आपको कैलकुलेशन लंबी करनी पड़ जाएगी, फिर उसमें लिस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसमें आप पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लोगे ज्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगा, ये बनाओगे इसमें और देर लग सकती है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप अभी सवाल देखोगे जिसमें मेंशन किया होगा कि आपने दो डाई को एक साथ रोल किया 36 आउटकम होंगे, तो इस तरह करना थोड़ा इजी हो जाएगा। आपने डॉट लगा दिए इस तरह करना, इसमें 36 आउटकम लिखना ज्यादा मसला होगा, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। ये जो पॉसिबिलिटी डायग्राम है ये आप बनाते हो जब आपके पास दो गिवन है चीजें, दो स्टेजेस गिवन है कि एक पहला कॉइन टॉस किया, दूसरा कॉइन टॉस किया, तीन के लिए आप इतना यूज नहीं कर रहे होते। इसके अलावा एक और सिंबल भी आप यूज करते हो आउटकम को लिस्ट करने के लिए, वो होता है ट्री डायग्राम जो आप ज्यादातर यूज कर रहे होते हो, लेकिन अगेन आउटकम ज्यादा है तो ट्री डायग्राम फेल हो जाती है, आप फिर इस तरीके से लिखते नहीं हो। आप काउंटिंग प्रिंसिपल पे रिलाई करते हो कि यार चलो 20 आउटकम है, 1000 आउटकम है, इस तरह मेंशन कर रहे होते हो। तो ट्री डायग्राम भी मैं आपको बता देता हूं, चलो वो भी बात होगी तो कंप्लीट हो जाए। ट्री डायग्राम फॉर एग्जाम्पल मुश्किल बनाते हैं, तीन कॉइन को हम टॉस कर लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल पहला कॉइन जो है या तो हेड आ जाएगा उसके ऊपर या टेल आ जाएगा। अब दूसरे कॉइन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहली दफा हेड आ गया, दूसरी दफा हेड आ सकता है मतलब दूसरे कॉइन पे, या दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे कॉइन पे हेड आ गया तो तीसरी दफा हेड आ सकता है या तीसरी दफा टेल आ सकता है। इसी तरह हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। अब इसकी पॉसिबिलिटी भी आप ऐसे लिखोगे, हेड टेल लिख दोगे, फिर तीसरी दफा हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ट्री डायग्राम भी बहुत अच्छा होता है कि आप जिस तरीके इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी को, लेकिन अगेन ये सब चीजें जो है ये उस वक्त फेल हो जाती हैं जब आउटकम ज्यादा होते हैं, तो फिर आप काउंटिंग पे रिलाई करते हो, आप पिक्चर्स बना के इसको सॉल्व नहीं करते। ट्री डायग्राम का एक फायदा ये भी होता है कि आप प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कॉन्सेप्ट आप पूरा लगा के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि यार प्रोबेबिलिटी निकालो, फॉर एग्जाम्पल मैं डिफाइन करता हूँ कि आपके पास एग्जैक्टली दो हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे? तीन कॉइन आपने टॉस किए हैं, एग्जैक्टली दो हेड आने चाहिए, तीसरे पे टेल हो जाए ठीक है, लेकिन दो हेड होने चाहिए उसके अंदर, तीसरा बेशक टेल हो जाएगा। तो अब इसमें आप कैसे ढूंढोगे? जो ट्री डायग्राम होती है ना इसमें आप प्रोबेबिलिटी इस तरीके से लिख रहे होते हैं, जो ब्रांचेस है ना, फॉर एग्जाम्पल इस ब्रांच पे हेड आने के कितने चांसेस होते हैं, आपको पता हेड आने के 0.5 चांसेस होते हैं, टेल आने के भी 0.5 होते हैं। जब भी आप कॉइन को टॉस करते हो तो 50-50% चांस है। इसी तरीके से दूसरी दफा जब आप कॉइन को टॉस करोगे, चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर आप दो कॉइन को तीन कॉइन को टॉस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा कि पहली दफा में क्या आया है, तो दूसरी दफा उस चीज के आने के चांसेस कम हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट है। अगर पहली दफा हेड के 0.5 चांसेस है तो दूसरी दफा भी हेड के 0.5 ही होंगे और टेल के भी 0.5 होंगे, इसी तरह यहाँ भी 0.5 ही, यहाँ भी 0.5। सेम कॉन्सेप्ट तीसरी दफा के लिए भी है, सब में क्या होगा 0.5 आ जाएगा। तो ट्री डायग्राम यहाँ पे आपको 8 आउटकम दे रहा है। ये चीज आप इस तरह भी कर सकते हो, लिस्ट बना के भी कर सकते हो, या आप ट्री डायग्राम से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से हो सकता है। ट्री डायग्राम को सॉल्व किस तरीके से करते हो? अच्छा, ट्री डायग्राम एक और केस होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, सॉरी डिपेंडेंट इवेंट के लिए भी ट्री डायग्राम काफी फायदेमंद होती है। तो ट्री डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है, यूज हम इतना नहीं कर रहे होते लेकिन आपके कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये भी एक मेथड है जिससे आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आउटकम आपने लिस्ट करने, तो एक आउटकम है हेड हेड हेड, फिर होगा हेड हेड टेल, फिर होगा हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, इसी तरह टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, ये आपके पास 8 आउटकम आ गए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि एग्जैक्टली दो हेड आए, तो आप ये ढूंढोगे कि यार ये कौन कौन सा आउटकम है जिसमें दो हेड आ रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व करो, पहला वाला नहीं है उसमें तीन हेड आ रहे हैं, दूसरे में देखो हेड हेड टेल इसमें दो हेड आ रहे हैं, हेड टेल हेड इसमें दो हेड आ रहे हैं, हेड टेल टेल नहीं इसमें नहीं आ रहा, फिर टेल हेड हेड इसमें दो हेड आ रहे हैं, बाकी किसी में भी दो हेड नहीं आ रहे होंगे, या तो तीन आ रहे होंगे या एक हेड आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। ये तीन केसेस हैं जिसमें आपके पास दो हेड आ रहे हैं। अब आपने अगर प्रोबेबिलिटीज निकालनी है तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आप किसी भी ब्रांच में जा रहे हो तो आप प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ये ब्रांच कंसिडर करते हो, ये वाली पूरी ब्रांच, तो इसमें 0.5 0.5 और 0.5 इसको मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये 1/2 1/2 1/2 है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे 1/8 आ रहा होगा। तो इस जो पूरी ब्रांच आपके सामने लिखी हुई है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8, जितने भी ब्रांचेस हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी क्योंकि इक्वली चांसेस है सबके, इसकी भी 1/8 होगी, इसकी भी 1/8 होगी, इसी तरह इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8 और बाकी को भी, टेल हेड टेल हो गया, टेल 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 हेड, इस तरह जिसकी भी आप निकालोगे सब ब्रांचेस को अगर उसमें जो भी प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई आप मल्टीप्लाई करो तो आपको उस पूरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है कि इस ब्रांच के होने के कितने चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला वाला दूसरा वाला केस था हेड हेड टेल, इसके आने के कितने चांसेस है 1/8 चांसेस है। तो ये तो आपने कर लिया। अब अगर आपके जो इवेंट है, आपका इवेंट क्या था कि दो हेड आने चाहिए,
वो इस वाले में भी आ रहा है, वो इस वाले में भी आ रहा है, वो इस वाले में भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक साथ नहीं आ सकते, तो आप ऐड करोगे, अभी मैं बताऊंगा इस बारे में भी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8। तो 1/8 को तीन दफा ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/8। इसका मतलब दो हेड आने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 3/8 प्रोबेबिलिटी। तो ट्री डायग्राम से अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो बहुत आसान तरीका होता है, पहले आप देखते हो कि क्या इवेंट डिफाइन किया गया है, उस पूरी ब्रांच की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, जितनी ब्रांचेस आपकी फेवरेबल है आप उन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हो और एंड पे उन सबको सम करते हो तो आपके पास ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। यही काम आप लिस्ट करके भी कर सकते हो, अगर आप 8 आउटकम को लिस्ट करो और उसमें ढूंढो तो आपको 3 आउटकम ऐसे मिलेंगे जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, 3/3 टोटल कितने हैं, 8, ठीक है। तो ये बताने का एक और मकसद ये भी था, एक तो आपको ट्री डायग्राम सिखाना था, दूसरी बात जो मैं इससे बताने लगा हूं जो असल इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटीज हैं, जितनी भी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज हैं, जब आप सम कर रहे हो तो सम 1 के बराबर आना चाहिए। याद रखना जब भी आप डिफरेंट इवेंट्स आपके पास गिवन है आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो उसका सम जो है वो 1 के बराबर आना चाहिए। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटीज का सम जो है 1 के बराबर आना चाहिए। पहली ब्रांच को होने के कितने चांसेस है, 1/8, दूसरी के कितने, 1/8, करते करते जो बाकी 6 हैं उनके भी 1/8, तो जब 1/8 को 8 दफा ऐड करोगे तो 1 के बराबर आएगा। तो एक मकसद ये भी आप लोगों को बताना था, ये भी दिखाना था कि जब आप ऐड करते हो सब ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 के बराबर होती है। तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो इस तरह कि यार आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो आंसर 1 के बराबर आ रहा होगा। लेकिन ये बात कुछ टीचर आपको बता देते हैं कि सम 1 के बराबर आता है, लेकिन अब जो मैं बात बताने लगा हूं ये नहीं बता रहे होते जिससे बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सम में दरमियान जगह भी छोड़ी है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होती है, ये उन इवेंट्स के लिए होता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और साथ साथ वो एग्जॉस्टिव है। कहने का मतलब ये है अगर आप इन सब इवेंट्स को देखो तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई भी एक आउटकम होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा, एक साथ कोई भी नहीं हो सकता। क्या ये पॉसिबल है कि हेड हेड आए, और ये भी पॉसिबल है कि हेड हेड टेल आए? नहीं भाई, या तो हेड 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 आएगा या हेड हेड टेल आएगा। तो ये जितने भी 8 आउटकम आपके सामने लिखे हुए सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पहली चीज इवेंट सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। दूसरी चीज कि सारे इवेंट एग्जॉस्टिव हो, एग्जॉस्टिव का मतलब कि जब आप इनका यूनियन लो तो ओवरऑल सैंपल स्पेस बन जाए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई इवेंट परफॉर्म करते हो, आपने 2 इवेंट कंसिडर किए कि 2 हेड आना, ठीक है, और आपने कंसिडर किया 2 टेल आना, तो 2 हेड 3 सिचुएशन में आ सकता है, जो मैंने ये वाली टिक की थी, ये वाली टिक की थी, ये वाली टिक की थी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। 2 टेल आना एक इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन कौन से इवेंट है ये, मैं इसको ब्लू से करता हूं। एक तो ये होगा, ये वाला 2 टेल आ रही है, टेल हेड टेल इसमें 2 आ रही है, टेल टेल हेड इसमें 2 आ रही है, तो अगेन इसकी भी 3 केसेस है, 1/8 1/8 1/8 ऐड करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8। अब स्टूडेंट ये समझते हैं कि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी, नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी 1, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर 2 हेड आ रहे हैं या 2 टेल आ रहे हैं ये एक साथ पॉसिबल नहीं है, अगर 2 हेड आएंगे या 2 टेल आएंगे एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि 2 हेड और 2 टेल हो, 4 कॉइन हो ना टॉस कर दिया तो एक साथ आने के चांसेस नहीं, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये बात सही है, लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव के अगर आप इन दोनों इवेंट्स का यूनियन लोगे तो क्या ओवरऑल सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा, नहीं, 3 आउटकम इसके, 3 आउटकम इसके, 6 आउटकम कवर होंगे इसके अंदर, बाकी 2 आउटकम कवर ही नहीं हो रहे, बाकी 2 कौन कौन से, हेड 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 टेल टेल टेल, वो तो आपने कवर ही नहीं किए, तो दैट्स व्हाई इनकी प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो जुमला आप जो पढ़ते हो ना हर जगह के सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 के बराबर होने चाहिए, तो याद रखो ये उन इवेंट्स के लिए होता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और साथ साथ वो एग्जॉस्टिव हो, वहां पे चीज वैलिड होती है। मैं जहां पे जुमला लिखवा रहा हूं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज किसकी, वो इवेंट जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो और साथ साथ एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो। तो इन दो बातें, ये मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को डिटेल में बताया था क्या होते हैं, फर्क बताया था, हर चीज डिस्कस हम कर रहे थे, तो ये दो अगर इवेंट दो बातें हैं उन इवेंट्स के दरमियान, तब आप उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को सम करोगे तो सम क्या आएगा, 1 के बराबर होगा। जैसे ये एग्जांपल भी है 7.5 में क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी आप देखोगे तो उसमें गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां रेस में शिरकत कर रही हैं, हर गाड़ी की जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। अब बचे 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5, इसको जब ऐड करोगे तो आपके पास अजीब कुछ आ रहा होगा, आपके पास क्या आ जाएगा 15/5 आई गेस आ रहा होगा, और वो 3 के बराबर होता है। आपको अगर सर प्रोबेबिलिटी 3 होगी सब, नहीं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा उस वक्त जब इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हो, और वहां पे अगर आप इवेंट देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थे वहां पे। और इसी तरीके से
फॉर एग्जाम्पल उसी एग्जाम्पल को आप इस तरह करते कि आप बोलते कि यार एक ही विनर होगा, तो तब सबकी प्रोबेबिलिटी 1/5 होती। क्या अगर फोर्ड जीत गई है तो उसके साथ टोयोटा नहीं जीत सकती, अगर टोयोटा जीत गई उसके साथ कल्टस नहीं जीत सकती, कोई एक विनर होगा, तब वो क्या बन जाएगी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, और सबका यूनियन लोगे तो वो सैंपल स्पेस के बराबर होगा, मतलब सब कवर हो जाएंगे, एग्जॉस्टिव बन जाएगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी सबकी 1 होगी। 1/5 को 5 दफा जब आप ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन उस केस में जो बुक में गिवन है वो म्यूचुअली नहीं है। अगर फोर्ड जीत रही है तो उसके साथ टोयोटा भी जीत सकती है, उसके साथ कल्टस भी जीत सकती है, 3 में रहना वहां पे, तो वहां पे अगर सबका सम करोगे 1 नहीं आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होती है, लेकिन किन कंडीशन के तहत उसका आंसर 1 आ रहा होता है। तो ये बात हमने क्लियर कर ली। अब एक और बात हम क्लियर करते हैं और मेरे ख्याल में आखिरी बात है, उससे पहले लॉस, इसके बाद मुझे आपको बताना है ये बात, ये फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, तो जरा हम देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताए थे, ऐसे इवेंट होते हैं कि जो एक साथ पॉसिबल नहीं है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी होते हैं और साथ साथ वो एग्जॉस्टिव भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो गए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 2 ही होते हैं, ऐसा नहीं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 3 हो 4 हो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, आपके पास एक इवेंट है कि जब आप डाई को फेंक रहे हो इवन नंबर आए, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि इवन नंबर ना आए, बस ये 2 इवेंट होंगे, ये नहीं कि 3 इवेंट को आप कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे होंगे, नहीं, एक होता है होना और उसके ना होने को आप कॉम्प्लीमेंट्री कहते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने हमेशा पढ़े होंगे 2 हैं, कभी आपने पढ़ा 3 एंगल को आप कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हो, नहीं। इसी तरीके जब आप एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो या तो सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट होता है, दैट्स इट, 2 होते हैं बस, उनका यूनियन लोगे यूनिवर्सल आ जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपको 2 नजर आएंगे। और लिखते किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर एक इवेंट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी को आप लिखोगे पी ए, जो इवेंट ए है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो किस तरह लिखा जाएगा, जो मशहूर नोटेशन है वो ए प्राइम वाली है, कोई इसके ऊपर वेव लगा देता है वो भी कॉम्प्लीमेंट को शो करता है, कोई छोटा सा सी लिख देता है वो भी कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा होता है, लेकिन मशहूर नोटेशन ये प्राइम वाली तो वही लिखते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका प्रूफ भी बुक वालों ने लिखा है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। इसका फायदा ये भी होता है कि अगर आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपको कॉम्प्लीमेंट की निकालनी है तो कोई मसला नहीं होता, आप उसको 1 से माइनस कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पीए गिवन है, आप पीए को उधर ले जाओ 1 से माइनस कर दो, या आपको फायदा होगा 7.5 में आके, 7.5 में ऐसे कितने केसेस होते हैं कि आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पता है कि आइदर, उसको आइदर कहते हैं, मैं बताऊंगा ए यूनियन बी, आइदर ए हो जाए या बी हो जाए, उसकी अगर आपको पता है तो इसका जो अपोजिट होता है उसको बोलते हैं नाइदर, कि ना ए हो ना बी हो, तो उसकी बड़े अच्छे तरीके से हम निकालते हैं। अगर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसको आप 1 से माइनस करो, आपको इसके नाइदर मतलब इसके अपोजिट वाला केस जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते क्या है, वहां जाके आप देख सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक इवेंट हो रहा है वो इवेंट ना हो ये उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25 तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.75, ठीक है, क्योंकि 0.25 0.75 को ऐड करोगे 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी से आप आसानी से प्रोबेबिलिटीज आपस में निकाल सकते हो, किसी एक की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री की बताओ आपको इसकी निकालनी है, इसको 1 से माइनस करो तो इवेंट एक ही आ जाएगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप काफी यूज कर रहे होते हैं।